गुड मॉर्निंग बच्चों, आज दिनांक 30 जुलाई 2021 वर्ग प्रथम से दसम वर्ग का अध्याय 2 श्लोक नंबर 57 पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग गीता पाठ को शांति ढंग से और भगवान को भक्ति मानकर प्रेम पूर्वक पवित्र मन से इसे सुने और लोगों को सुनाए। तो अब मैं गीता पाठ अध्याय 2 श्लोक 57 को पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। यह सर्वत्रान अभियस्नेह तस्य प्राप्त शुभाशुभम नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार आप सुनिए बच्चों, भाव में भगवान का भक्ति को बोलिए। यह सर्वत्रान अभियस्नेह तत्प्राप्तः शुभाशुभम नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। प्यारे बच्चों, अब इसका अर्थ को सुनिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे परमतप अर्जुन, जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है, जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है यानी लीन रहता है और न ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित रहता है यानी खुशी रहता है और न ही विपत्ति से उदासीन रहता है, वही पूर्ण ज्ञानावस्था में स्थित मुनि है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाए कि संत किसको कहते हैं, मुनि किसको कहते हैं। इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे कि संत वही है, मुनि वही है जो लाखों परिस्थिति आ जाए, करोड़ों परिस्थितियां आ जाए लेकिन अपने काम में लीन रहता है, वह कभी घबराता नहीं है। लाख विपत्ति आती है लेकिन उससे उसका मुकाबला करना वीर पुरुषों का लक्षण है, ना कि कायरता दिखाना। और जो लाखों परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और वह शुभ फल की प्राप्ति नहीं करता है, यदि शुभ फल की प्राप्ति भी आ जाता है तो हर्षित नहीं होता, वह खुशी नहीं होता है, वह अपना कर्तव्य पथ पर डटा हुआ रहता है और न विपत्ति से उदासीन रहता है। और विपत्ति जब आती है तो कायर को दहलाती है। विपत्ति आने पर यह घबराना नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि लाखों परिस्थितियां आ जाए, विपत्ति आ जाए लेकिन मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। मनुष्य को जो है लाखों परिस्थितियां आने पर उसका मुकाबला करनी चाहिए, उसका संघर्ष करनी चाहिए और वही पूर्ण ज्ञान अवस्था में स्थित मुनि है। जो जिनके पास ये ज्ञान है वे मुनि के कहलाते हैं। इसलिए बच्चों, आप लोग खूब मेहनत करके पढ़िए, अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहिए, माता पिता का सेवा कीजिए, माता पिता का आज्ञा का पालन कीजिए, गुरु का आज्ञा का पालन कर कीजिए और आपके जो भी काम आए उसको आप हंसते हंसते काम करते जाइए। आपको लोग बच्चे हैं, आप लोगों को पढ़ाई हो रही है,
और उस पढ़ाई को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको याद करते जाइए। शब्दार्थ मिलता है हिंदी में उसको भी याद कीजिए, क्वेश्चन आंसर है उसको भी याद करके बनाइए। यही गीता पाठ का जो है मुख्य उद्देश्य है। गीता पाठ का मतलब होता है बच्चों अच्छा काम करना, सदाचारी बनना, सदाचार का काम करना, अच्छा आचरण रखना, और ये भगवान का कृपा आप पर बनी रहे। मैं भगवान से आपको प्रार्थना करूँगा और आप लोग जो है भगवान को कभी नहीं भूलिए। आप प्रतिदिन गीता पाठ को पढ़िए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपकी पढ़ाई लिखाई में भी एकदम सरलता आ जाएगी। और आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।